तो अंदर बैठा के बैठ गया नहीं तो अगला ग्राउंड पता नहीं रहता है मेरा फोटो बनना नहीं बंसल सर को कोने ना साथ चलो आप हमारे शहर की रोड को बढ़ाइए ना बच्चे छोटी बच्ची का है ये आपने खाना है ये आपकी मेहरबानी है ना ये आप ग्रुप है पूरा राहुल जी का मेहनत है इसमें इसमें कोई बात नहीं है इन्होंने पूरा एक साल तक लगे रहे तो फिर कहीं कहीं हुआ बताएं ये आज का जो पसंद चटका सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के जो मेरे लोग हैं उनको बधाई देता हूं कि आज एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि शिवानगर मोड़ में एक पसंदर शेड होना चाहिए और इसलिए मैं जो सारा श्रेय और धन्यवाद करता हूं अपने पूरे शिवानगर की लोगों की तरफ से अपने CTM कठुआ का स्पेशली बंसल साहब का उमेश गुप्ता जी का जिनकी वजह से ये पसंदर शेड हमें मिला उन्होंने अपने CSR के तहत हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था एक साल पहले कि सर आप कठुआ के लिए बड़े बेहतर लिए काम कर रहे हैं आपने पार्क बनाए हैं और भी बड़े सारे काम आप कठुआ के बेहतरी के लिए करते रहते हैं तो शिवानगर में हमारे लोगों की जरूरत थी तो हमें भी कई बार फील होता था हम यह बस पकड़ने के लिए यहाँ रुकते थे तो हमारी जो मैक्सिमम जहाँ एम्प्लॉयड क्लास लोग हैं सुबह जब जाते थे बारिश में या धूप में उनको खड़ा होना पड़ता था हमें ये चीज़ काफ़ी देर से फील होती थी तो मैंने CTM से रिक्वेस्ट की स्पेशली मैं बंसल साहब से उनका धन्यवाद करता हूँ कि करीब 1 लाख की लागत से जो हमारा ये जो पसंदर शेड शिवानगर के मोड़ पे है ये बना हुआ है मैं अपने साथ हमारे जिला अध्यक्ष हमारे जिला सदर गोपाल महाजन जी इनका भी धन्यवाद करता हूँ हमारे नरेश जी हमारे चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ पूरी शिवानगर की जनता का धन्यवाद करता हूँ इनका सपोर्ट और आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहता है और दो तीन काम और है जो मेजर प्रोजेक्ट हमने गली नाली छोड़ के भी हमने सोचा है कि सिटी में एक लाइब्रेरी एक डिस्पेंसरी और बाथरूम गार्ड जो लेडीज़ के नहाने के लिए जब भी कोई लेडीज़ क्रीमेशन पे जाते थे वहाँ दिक्कत आती थी वो भी हमारा हमें परमिशन मिल गई है जल्दी उसका काम लगाएंगे एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से CTM का और पूरे शिवानगर के लोगों का धन्यवाद करता हूँ जय हिंद जय भारत आप सभी के मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज जिस प्रकार आपने देखा हमारा जो वार्ड नंबर जो शिवानगर का हमारा वार्ड है जिसके काउंसलर हमारे राहुल देव जी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों की बहुत बढ़िया एक बहुत पुरानी डिमांड थी यहाँ पैसेंजर शेड की और CTM के जो बंसल साहब हैं इनकी और उमेश गुप्ता जी उनकी बदौलत आज यहाँ पर पैसेंजर शेड लगा है मैं अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ हमारे म्यूनसिपलिटी के हमारे जो चेयरमैन हैं नरेश शर्मा जी हमारे बड़े भाई राहुल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी शिवानगर निवासी शहर के लोग जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक कार्यकर्ता जो भी उसको जिम्मेवारी पार्टी की ओर से दी गई है राहुल जी हमारे काउंसलर हैं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता बेशक वो हमारा संगठन का कार्यकर्ता है हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हमारी यहाँ की म्यूनसिपैलिटी है जो पिछले दिनों भी आपने देखा जब कोरोना का समय था तभी हमारे सभी काउंसलर्स हमारी जो म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं सबने बहुत बढ़िया समाज के लिए काम किया था आज भी आप देख रहे हैं आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहे वो काउंसलर है चाहे वो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है वो समाज की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करता रहता है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे हमारा कार्यकर्ता डेवलपमेंट के जो काम है वो हमेशा करते रहेंगे आप शिवानगर के अंदर मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी राहुल जी यहाँ के स्थानीय काउंसलर और बांसल जी जिनके द्वारा CTM द्वारा ये जो आज पसंद शेड बनाया गया एक तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ दूसरा जैसे ही हम प्रेसिडेंट बने थे म्यूनसिपल काउंसिल तो काउंसिल प्रेसिडेंट बनने से पहले भी और बनने के बाद भी हमने ये अनाउंस किया था कि कठुआ के अंदर सिर्फ लेन और ड्रेन के काम नहीं है कठुआ की डेवलपमेंट के लिए हर सेक्टर में हमें जाना पड़ेगा जैसे
हिंदुस्तान के अंदर जिस मर्जी शहर में चले जाएं पैसेंजर शेड कहीं ना कहीं होती है। हमारे सिर्फ जिला शहर कठुआ टाउन के अंदर ये नहीं थे, ये आज काम शुरू हो गया। 3 पैसेंजर शेड हमने और यहाँ पास भी किए हैं, सेलेक्ट भी किए हैं। एक कालीवड़ी चौक के अंदर पार्लियामेंट बस स्टैंड के ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर और हटली मोड़ साइड, ये वहाँ भी हमारी कोशिश है वो 3 पैसेंजर शेड वहाँ और बनाए जाए। और उनके साथ साथ लेन ड्रेन के काम तो चल रहे हैं। ओपन जिम हमारा जैसे ड्रीम पार्क के अंदर 13.5 लाख रुपए का टेंडर हमने कर दिया है, एजेंसी को लाट है। सिर्फ फ्लोरिकल्चर वालों ने थोड़ा अड़ंगाड़ आया है वहाँ काम शुरू करवाने में, वो हमने उनको लेटर लिख दिया है, वो उनसे परमिशन लेनी है, वो कहते हैं परमिशन ले, वो लेटर हमने वहाँ भेज दिया। 13.5 लाख रुपये का वो हमारा ओपन जिम, जो बच्चे कोई भी किस्म का वर्जिश या ओलंपिक खेलना हो कुछ भी हो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट सारे हम लगाएंगे। तो उसके साथ साथ वो बच्चे के लिए भी खेलने के लिए वहाँ हमने वहाँ जो जो भी चाहिए उनको वो भी हम वहाँ लगाएंगे। और उसके साथ साथ पार्क हमने देखा साउंड चाक के अंदर पार्क का हमारा काम तकरीबन 80% कंप्लीट हो गया है। 10-20% जो बचा है वो भी बड़ी इस महीने में वो शुरू हो जाएगा। ये मेरा कहने का मकसद है कि सिर्फ लेन ड्रेन के काम नहीं है, जहाँ पार्क चाहिए, जहाँ सफाई के लिए सारा सिस्टम चाहिए, वो CTM द्वारा हमें जैसे यहाँ प्रेसिडेंट बने थे इनके साथ हम मिले थे हमारे रमेश गुप्ता जी, उनके साथ ही बैठ के हमारी मीटिंग हुई। 4 ट्रालियाँ इन्होंने हमें अपनी तरफ से दी थी, 2 हमें ट्रैक्टर दिए थे, डस्टबिन दिए थे, इस शहर को साफ सुथरा अच्छा बनाने के लिए ये करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हैं, मैं आती दफ़ा भी गोपाल जी से बात कर रहा था कि जहाँ पशु बहुत है, जहाँ जहाँ भी हम डस्टबिन लगाते हैं वो पशु उसको सारा गंदगी निकाल के बाहर करा देते हैं। उसके बारे में मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात किया, मैंने SSP साहब से भी बात किया, लेकिन कोई निचोड़ नहीं निकालते उसका, कहाँ छोड़े हम पशु और आते कहाँ से है। मैंने कहा इंक्वायरी करवाओ उसकी, ये पशु आए कहाँ के, लोगों के नहीं है, इतने इतने बड़े दाता एक एक टन के जहाँ सांड घूम रहे हैं ये कहाँ से आए। तो इसके बारे में हमने सीरियसली मैंने 3 बार बात कर बैठा हूँ, अभी तक कोई इनके दिमाग में बात नहीं आई है, लेकिन इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। ये जो पशु सारे हमारे गौशाला में चले जाए अगर, ये जितने भी पशु कठुआ में 200-250 पशु घूम रहा है, एक तो बच्चों का नुकसान करते हैं, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, दूसरा हमें शहर को साफ रखने में बड़ी मदद मिलेगी। तो इसके साथ साथ मैं लास्ट में फिर राहुल जी का, गोपाल जी का, CTM का, बांसल जी का सबका धन्यवाद करता हूँ जो जहाँ आए उद्घाटन करवाया। और इसके साथ साथ हम वचनबद्ध है इस कठुआ टाउन के अंदर डेवलपमेंट के लिए। ये तो आपने देखा ये कितनी छोटी लेन थी, एक गाड़ी आगे से आती थी दूसरी इधर से जाती थी, ये क्रॉस नहीं होती थी। आते ही हमने 20 लाख रुपया लगा के ये नाला पूरा अंडरग्राउंड बनवाया, अब 2 गाड़ियाँ क्रॉस हो सकी। इसके ऊपर चले जाए पार्क के सामने, वहाँ भी 10 लाख का एक उद्घाटन किया गया, दूसरा 10 लाख का काम वहाँ भी शुरू हुआ अंडरग्राउंड नाले का, वो भी हम बड़ी जल्दी 2-4 दिन के अंदर उद्घाटन करेंगे। पूरे शहर के अंदर हमने एक ही नारा है जहाँ मोदी साहब ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबके साथ, वो सारा काम किसी जाति को किसी कौम को दे के नहीं, पूरे शहर को हम लेके चल रहे हैं। बधेर जी, गुप्ता जी, राजन जी, राहुल जी, पत्रकार बंधु, CTM तो हमेशा से ही कुछ न कुछ करती रहती है, और ये राहुल जी ने बड़े 1 साल से इनकी डिमांड थी तो हमारे मैनेजमेंट ने इसको एग्री कर लिया और ये आज पैसेंजर सेट आपके सामने है। ऐसे भी हम आगे भी करते रहेंगे, पहले भी किया है, और पब्लिक के लिए जो भी होगा हम सीट मैनेजमेंट हमारा हमेशा इसके लिए तैयार रहता है। जो भी हमसे बनेगा, हमारे मैनेजमेंट से जो भी हमारे रूल्स के अंडर आता होगा वो हम ज़रूर करेंगे और आगे करते रहेंगे। थैंक यू। कि हमारी इस छिवाड़ा मोहल्ले की डेवलपमेंट जो है वो इन चंद सर सामने 4 साल से तो बड़ी तेजी के साथ हुई है, काम जो है वो कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। इसके साथ मैं इन सज्जनों का, खासकर राहुल जी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इन लोगों को, भद्र पुरुषों को की सहायता के साथ ये काम किया है। खासकर ये शेड जो है हमारी पुरानी
बड़ी ज़रूरत थी, पुरानी डिमांड थी कि यहाँ पे खड़े होने के लिए बारिश में धूप में बचने के लिए हमें ये ज़रूरत थी। तो ये आज शुरू है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। ले ले।